गाइज नमस्ते, आप देख रहे हो टेकोरी का, मैं हूँ देव। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको दिखाऊंगा सी व्यू इसी लेंस को यूज़ करके, ये जो कैनन 55-250mm टेलीफोटो लेंस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली आपको कैसा दिखता है ये जो सी व्यू यहाँ पर है। बहुत अच्छा दिख रहा है नज़ारा, मेरे को तो दिख रहा है, आपको भी दिखाता हूँ इसी लेंस को यूज़ करके। और कुछ स्टिल्स भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो जूम मिलती है इस लेंस को अगर आप यूज़ करते हो कैनन 200D Mark II DSLR के साथ, राइट। यहाँ पर मैं मैनुअल पर कुछ फोटो शूट करूँगा, अगेन ऑटो में भी कुछ फोटोज में क्लिक करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वालिटी का आपको फोटो मिलती है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले देखते हैं अभी समुंदर को, राइट। गाइज सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सी व्यू है इसका एक वीडियो देख लेते हैं। अभी आप इसको ऐसे जस्ट नॉर्मली जूम कर सकते हो, यहाँ पर मैं 250mm तक जूम कर रहा हूँ। गाइज जैसे कि आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर जो नज़ारा दिख रहा है, मतलब ऐसा है कि जो लॉकडाउन में घर के अंदर रह रहे के ना भाई इतना परेशान हो चुके हैं, एक बार ये समुंदर दिख जाता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, अब देखिए गाइज अभी क्या करते हैं कि जो समुंदर के पास एक ब्यूटीफुल सा अपार्टमेंट है इसकी मैं फ़ोटो क्लिक करता हूं और आपको दिखाता हूं, राइट। ये मैं रॉ में क्लिक की है, अभी इसको मैं 250mm पे ही क्लिक की है। इसको ना आप थोड़ा बहुत अगर एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैं ये लाइट रूम यूज किया एडोबी का, तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट भी आपको मिल सकता है, बहुत ही अच्छा दिखता है, थोड़ा ही आप एडिट कर दोगे, राइट। तो अगेन इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल लॉसलेस जूम हो रहा है, बहुत ही मस्त दिख रहा है। और हालांकि ये अपार्टमेंट भाई बहुत दूर में था, ये मस्त जूम करके खींचा ये जो टेलीफोटो लेंस, राइट। अभी ये व्यू आप देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा समुंदर के पास एक ही अपार्टमेंट है, क्या नज़ारा लग रहा है ना। ये समुंदर के भी थोड़ा जूम करते हैं, आपको मैं नेक्स्ट सिर्फ समुंदर का फोटो दिखाता हूँ, आप वीडियो को ना आगे देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके सो नाउ आई एम गोना क्लिक ए फोटो ऑफ द सी। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो ये है आपका जो सी समुंदर, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पूरा ब्यूटीफुल व्यू है। अगेन इसको भी मैंने थोड़ा बहुत एडिट कर लिया है एडोबी लाइट रूम में, आप भी इसको एडिट कर सकते हो, मस्त दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल व्यू है पूरा। अगेन ये सारे फोटोज़ दोस्तों मैं मैनुअल पर क्लिक किए, आपको अगर मैनुअल फोटोग्राफी देखना है जो एज यूजुअल यूज करते हैं जो, तो आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की है 18-55 लेंस को लेकर, लास्ट वाला वीडियो आई थिंक, तो लास्ट वाला नहीं तो उससे पहले का होगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। ओके अभी यहाँ पर क्या बात करते हैं कि जो क्वालिटी अगर आप देखते हो, जो फोटो का क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है, पूरा 250mm पे मैंने क्लिक की है, फिर भी बहुत आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है, हालांकि लाइटिंग अच्छा था नो डाउट, बट देखिए फोटो देखिए दोस्तों मस्त लग रहा है ना। अगेन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि और एक अपार्टमेंट इसको भी क्लिक करते हैं, अभी इसको भी मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि कितना आपको जूम मिलती है। इसको सबसे पहले जूम कर लेते हैं, जैसे कि गाइस आप क्लियरली पढ़ सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है कि नहीं, सारे जो चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ याद करके। अच्छा यहाँ पर कुछ और फोटो सैंपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये मून की फोटो है, हालांकि आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कैसे मून फोटोग्राफी करते हैं, राइट। अभी मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ याद करके। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स इट नाउ फॉर द मोमेंट, दिस इज देव साइनिंग ऑफ, टेक केयर, सी यू सून।